मैं लास्ट 7 ईयर से नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल कर रहा हूँ और वो जो आप देख रहे हो वो हम लोग का होमस्टे है, क्योंकि अभी भी शांति वैली में इंटरनेट नहीं है ना, वो इलेक्ट्रिक कार में लग के क्रैश हो गया। तो डे वन में आप लैंड करोगे गुवाहाटी, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शांति वैली। तो फिलहाल मैं अभी हूँ अरुणाचल के शांति वैली में। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ। जैसे कि आपको मालूम है मैं लास्ट 7 ईयर से नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल कर रहा हूँ और मेरा घर ही इधर में ही है, तो मैं जाहिर सी बात है ट्रेवल करूँगा। तो कल रात हम लोग आए हैं शांति वैली में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा तावांग सर्किट के बारे में। अगर आप तावांग प्लान कर रहे हो तो आप कैसे कैसे आ सकते हो। तो 2-3 ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा। अभी ड्रोन फ्लाई किया, 1-2 घंटा फ्लाई कर लिया, उसके बाद ड्रोन ना वो इलेक्ट्रिक कार में लग के क्रैश हो गया। तो चलो वो सब छोड़ो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे आ सकते हो। तो बेसिकली अगर आप तावांग आना है तो आप कैसे कैसे आ सकते हो, तो ईजिएस्ट वे मैं बताता हूँ। आप गुवाहाटी में आप लैंड कर लो, गुवाहाटी से आप वाया शेरगांव या भालुकपुंग आ सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा करो, जब डे वन में आप लैंड करोगे गुवाहाटी तो उस दिन सीधा आप आ जाओ भालुकपुंग। भालुकपुंग होकर बोमडिला में आप स्टे करो, ठीक है। नहीं तो आप भालुकपुंग में भी स्टे कर सकते हो नामेरी देख के, देन भालुकपुंग मोनेस्ट्री वगैरह देख के उस दिन बोमडिला मोनेस्ट्री वगैरह देख के आप सीधा निकल जाओ धीरांग। धीरांग में है शांति वैली, ये धीरांग से 12 किलोमीटर दूर है। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है, मतलब इस वैली में तो मैं लास्ट 5 ईयर्स से मेरा फेवरेट ही है। अभी थोड़ा क्राउडेड हो गया है लेकिन फिर भी वेल एनाफ, आप आराम से ऑफबीट का एक्सपीरियंस ले सकते हो। पूरा खुला मैदान है जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ड्रोन का शॉट आपको दिखा दूंगा। तो फिर शांति वैली से आप एक दिन यहाँ पे मस्त आप स्पेंड करो। मैं यहाँ पे 2-3 होमस्टे है उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाड़ी अगर चाहिए तो गाड़ी का भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो वो मैं आपको वो कर दूंगा। फिर यहाँ पे शांति में आप आराम से शांति वैली देख सकते हो, शांति सीप फार्म हो गया, फिर एप्पल गार्डन, यहाँ पे एप्पल कीवी का बहुत फार्म है, वो सब आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त आया है, दोस्त से मिलो आप। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो ये लोग ज़्यादा प्यार करने से अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसको हटाते हैं, बाद में प्यार करेंगे। तो उसके बाद आप शांति वैली से सीधा आप निकल जाओ तावांग। फिर तावांग सर्किट में ऑन द वे आप चेला पास देख सकते हो, ठीक है। अभी तो टनल भी बन गया, जंग वाटरफॉल देख सकते हो, जसनगढ़ वार मेमोरियल देख सकते हो, तो वो सब आप देख सकते हो। फिर तावांग में आप उस दिन पॉजिटिव से रात हो जाएगा। फिर तावांग का लोकल साइट सीन हो गया, मैं पूरा साइट सीन का लिस्ट आपको एक PDF करके दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इतना साइट सीन है ना आप कवर, मतलब 5-6 डेज में तो आप पूरा कवर कर भी नहीं सकते। फिर यहाँ के आसपास में एक चुप वैली करके है जो बहुत ही खूबसूरत वैली है, उसका भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। यहाँ से आप शांति से आप आराम से जा सकते हो, मतलब धीरांग से। फिर आपको तावांग में आप माधुरी लेक जा सकते हो। फिर आपका हो गया पीटीएसएल लेक, हो गया बुमला पास, हो गया जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, लेकिन बुमला पास जाने के लिए आपको अलग से पास निकालना पड़ता है। और अरुणाचल एंट्री के लिए भी आपको ILP चाहिए, अगर ILP के लिए भी आपको कुछ नंबर वगैरह चाहिए। ऑनलाइन तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन में भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बुमला पास के लिए भी सेम ही है, गाड़ी का उसका चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है, I think 5000 कुछ ऐसा करके लेता है, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा आप होली वाटरफॉल भी आप एक दिन कवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा। और ये जैसे कि आप देख रहे हो इतना पोल्यूशन वगैरह तो है नहीं, प्लास्टिक वगैरह बहुत कम है, तो उसके लिए भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि आप अगर ध्यान रखोगे तो आपसे ही मतलब काम स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि हर कोई रख सकता है, तो एक किसी ना किसी को तो आपको वो करना ही पड़ेगा। बाकी रात में मैं इस कैंप साइट में रुका हूँ, बाकी आपको दिखाता हूँ। ये पूरा वैली है और वो जो आप देख रहे हो वो हम लोग का होमस्टे है, मेरा एक दोस्त का ही होते हैं, तो आप आ जाओ, बाकी मजे लो आराम से। तो अभी हम निकल रहे हैं तावांग के लिए, तो और 1-2 घंटे के बाद निकल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है। बाकी अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप मेरा इंस्टा हैंडल wild9sd, और एक नया मैंने खोला है जहाँ पर मैं रॉन्ग कंटेंट दूंगा, नॉर्थ ईस्ट नौशाद करके, जिसका नाम पर मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपका कुछ क्वेरी वगैरह होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब जल्दी से रिप्लाई इसीलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अभी भी शांति वैली में इंटरनेट नहीं है। तो मैं बेसिकली ऐसी जगह में ही रहता हूँ जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता है, ऑफबीट जगह मुझे बहुत पसंद है। तो उस हिसाब से अगर 2-3 दिन अगर लग भी जाएगा तो ये मत सोचिए कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो ऐसा कर दो, वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी रिगार्डिंग एनीथिंग आप अरुणाचल हो गया नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर पूछना है, तो आप मेरा नीचे का सोशल हैंडल भी है अलग अलग में, कोड़ा वगैरह भी है, तो आप उसमें भी फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जल्दी, अभी ऑन द वे में भी आपको गाड़ी में दिखाएंगे। अभी गाड़ी लेके आया, बाइक लेके नहीं है, कि मेरा दो भाई को भी लेके आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं।